ये मंच से एक खास भगवान के तहत है।
क्योंकि ये मजलिसें शहजादी फातिमा के हवाले से मुनक्किद की गई है, लिहाजा फरीजा बनता है शहजादी फातिमा से आगे कोई दूर ना हो। लिहाजा इंशाअल्लाह 5 दिन तक आप समाज फरमाएंगे शहजादी फातिमा के हवाले से। लेकिन मैं अपनी बात को बढ़ाने से पहले आप सभी हजरात की खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ, सब मोहब्बत अहले बैत लेके इस मजलिस में आए हैं और ये फर्श अज़ा हुसैन बड़ी अहमियत के हामिल है। ये फर्श अज़ा इसे मामूली नहीं समझना चाहिए, इसलिए आयत-ए-नज़्मा आगाए बहजत जिनकी तस्वीर लगी हुई है अपने जमाने के बहुत बड़े आलिम, उन्होंने फरमाया जुमला मजलिसे इमाम हुसैन में जाओ तो ये समझ के जाओ कि हम करबला जा रहे हैं। गुजारिश करूं बहरहाल आपने मिंबर पर बिछाया है तो कुछ ना कुछ जरूरी आपको खिदमत गुजारी करूंगा। अगर आप लोग सब लोग समझते और आगे आ जाते तो सुनने में मजा आता, सुनाने में मजा आता। सलवात पढ़िए चाहिए कि हम चूंकि अकीदत रखते हैं अहले बैत से, अहले बैत के चाहने वाले हैं, अहले बैत के मानने वाले हैं, और जितना शुक्र करें अल्लाह का कम है कि अल्लाह ने हमें ऐसी दौलत अदा की गई है जो किसी और को नहीं मिली। बड़ी दौलत हमें अल्लाह ने दी है, लिहाजा हमें अहले बैत का एहतराम करना चाहिए और जो चीजें अहले बैत से मुतअल्लिक है जिनका ताल्लुक अहले बैत से उसका भी एहतराम करना चाहिए। अहले बैत से भी अकीदत है उनका एहतराम करना चाहिए और जो चीजें मंसूब है मुतअल्लिक है अहले बैत से उनका भी एहतराम करना चाहिए। जनाब सलमान जो ईमान के 10वें दर्जे के ऊपर फायज हैं, जिनको रसूल ने कहा सलमानो मिन्ना अहले बैत, सलमान हम अहले बैत में से हैं, जनाब उनमें सलमान को रुतबा नहीं मिला, जनाब उनमें सलमान को रुतबा नहीं मिला। नबी ने कहा तुम खैर के ऊपर हो, बहुत बचाया है क्या खैर के ऊपर हो, लेकिन जनाब सलमान की हस्ती वो है जिनके लिए फरमाया सलमान को मिन्ना अहले बैत ईमान के 10वें दर्जे के ऊपर फाइज है। यूं ही उस मंजिल को हासिल नहीं कर लिया था जनाब सलमान, उस रुतबे पर यूं ही नहीं फाइज हो गए थे। असातिज़ा ने बयान किया कि जनाब सलमान बगैर वजूद के मौलाए कायनात के घर की दीवार के ऊपर भी नजर नहीं डालते थे। कभी नजर नहीं डाली, ये रुतबा है जनाबे सलमान का। नबी ने फरमाया सलमान मिन्ना अहले बैत, और मुकद्दस अदबिली का नाम सुना होगा आपने, बहुत ही मुकद्दस आलिम दीन जिनको हातिम गैबी ने आवाज दी थी अंता मुकद्दसो अदबिली, आप मुकद्दस अदबिली हैं, ये दुनिया का दिया हुआ लकब नहीं है, उनके लिए मिलता है साल तक नजर में रहे और उनका घर मौलाए कायनात के रोजे से कई साल पार करने के बाद भी था, बहुत दूर रहते थे, उनका
ऐलान उनका घर, लेकिन 25 साल की उम्र में उन्होंने कभी अपने पैरों को मौलाए कायनात के घर की तरफ फैला के नहीं बैठे। जैसी जैसी नियत होती है उसी एतबार से लेके जाता है। ये फर्शी आजाद हुसैन यहां तो कोई खाली हाथ नहीं जाता है, लिहाजा हमें इसका एहतराम करना चाहिए। और मैं जुमला कहता हूं, एक जुमला कहता हूं, सलवात पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। मजदूरी एक हो और उजरत दो बार मिल जाए तो मासूम ने फरमाया ऐसा इंसान अगर ये चाहता है कि सलवात एक मरतबा पढ़े और सिर्फ नमाज दोहरा मिल जाए, उसे चाहिए अजमत मोहम्मद और आगे मोहम्मद पर बुलंद आवाज से सलवात पढ़े। हमारी माओ ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें बचपन से बताया है कि जब भी फर्श अजाए हुसैन बिछती है कोई आए ना आए कम से कम पाक जरूर रखे। तो मजलिसों के सदके में हम थोड़ी देर के लिए ही सही पंजतन के हम नसीब होते हैं। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद आले मोहम्मद। इन नमाज़ का ताल्लुक किससे है?
इन नमाज का ताल्लुक कैसे है, जिससे होगा तर्जमा बदलता जाएगा। तवज्जो चाहिए, अगर इन नमाज का ताल्लुक यूनीत और फायद से है तो इसका तर्जमा यह होगा, अहले बैत नबी बस अल्लाह का इरादा है जो तुमसे नजासतों को दूर रखे और बगैर इरादे पर परवरदिगार कुछ होता ही नहीं। इसके अलावा होगा क्या कि नजासतें तुमसे दूर रहेगी और तुम्हें पाको पाकीज़ा रखा जाएगा। सलवात पढ़ने पर मोहब्बत आले वहां पर इरादे में कुव्वत उतनी ही पाई जाती है जितनी मुरीद में कुव्वत पाई जाए। इरादे में कुव्वत उतनी होगी जितनी मुरीद में, यानी अल्लाह में जितनी कुव्वत। तो तर्जमा बदल गया, ऐ अहले बैत नबी बस अल्लाह ही का इरादा है कि तुमसे तमाम नजासतों को, तमाम कसाफतों को, तमाम गंदगियों को, तमाम ऐब को दूर रखे, तुम्हें पाको पाकीजा रखे जैसा कि पाकीज़ा रखने का हक है। और अगर लफ्ज़ इन्नमा का ताल्लुक लियुज़हिबा और उसका मफ़ऊल है रिस्क, इससे ताल्लुक हो जाए तो तर्जमा बदल जाएगा। अरे अहले बैत नबी अल्लाह का इरादा है कि तुमसे बस नजासतों को दूर रखे, यानी जितनी नजासतें हैं वो तुमसे दूर रहेगी और जितने फ़ज़ाइल हैं हमने नजासतों को तुमसे दूर रखा।
कि नजासतों के करीब न जाओगे, लेकिन अगर कोई नजासत तुम्हारे करीब आना चाहे तो हमने इन्नमा का पहरा दिखा दिया, इन्नमा की दीवार खड़ी कर दी है, अब कोई नजासत तुम्हारे करीब नहीं आ सकती। अब दो दो चार क्या बिल्कुल मफहूम है आए करीमा के, जैसे दो दो चार होता है पांच की गुंजाइश नहीं होती है, वैसे आए करीमा का मफहूम है। अहले बैत नबी, हमने तुमसे तमाम नजासतों को, कसाफतों को, गंदियों को आयत को दूर रखा है, जिससे सारे आयत दूर होंगे, उसके अंदर सारे कमाल पाए जाएंगे, नहीं पाए जाएंगे, जिसके जिससे सारे आयत दूर होंगे उसके अंदर सारे कमाल पाए जाएंगे। और इंसान की फितरत है जहां कमाल होता है वहीं मोहब्बत पाई जाती है, फरमाए इंसान की फितरत है ये मामूला है, जहां कमाल होता है वहीं मोहब्बत होती है। दुनिया में कभी आपको कोई फर्द ऐसी नहीं मिलेगी जो किसी से उसके आयत की बुनियाद पर मोहब्बत करती हो, हमेशा मोहब्बत वहां पाई जाती है जहां कमाल पाया जाए। अच्छी आवाज मोहब्बत हो जाएगी, अच्छी शक्ल मोहब्बत हो जाएगी, अच्छा अखलाक मोहब्बत हो जाएगी, अच्छा किरदार मोहब्बत हो जाएगी, अच्छा रहन सहन मोहब्बत हो जाएगी। तो जहां कमाल पाया जाता है वही मोहब्बत पाई जाती है। अहले बैत वो हैं जिनसे सारे आयत दूर हैं, अहले बैत वो हैं जिनके अंदर सारे कमाल पाए जाते हैं। तो मोहब्बत यहाँ नहीं होगी तो कहाँ होगी? यही वजह है कि अल्लाह ने मोहब्बत अहले बैत को अजरे रसालत बनाया। पहले आपने मुझे बता दिया, मुकय्यद कर दिया है, ज्यादा मैं आपके कैद से बाहर नहीं जाऊंगा, मेरा मिजाज भी ये नहीं है, आज जाने के नाम मुझे फजाइल पढ़ना है, मैं फजाइल पढ़ने के लिए आ जाऊंगा। हम खूबियां बना करते हैं, हम रोशनी बताते हैं, अकेला आपको बहुत मालूम हो जाएगा। सलमान बढ़िया पर बहुत बता रहे हैं, मेरे हमसिन और कमसिन भाई मुझसे सवाल करते हैं, मौलाना साहब रिस्क के क्या माने हैं, आयत के क्या माने हैं, गंदगी के क्या माने हैं, कसाफत के क्या माने हैं? तो मैंने कहा भाई कुरान ने तो पहले ही कह दिया है जो चीज अहले बैत से दूर हो दूर करने के हैं, दूर रखने के नहीं। तो जब दूर कर...
दिलचस्पी क्यों है? इसलिए कि कोई चीज साबित करे जिसको दूर किया जा रहा है। और जब इस्तेमाल के माने दूर करने के होंगे तो इताहरों के माने पाक करने के होंगे, पाक रखने के नहीं होंगे। तवज्जो फरमाए, इसलिए कि दोनों का खानदान एक है। तवज्जो फरमाए, युजहबा के भी खानदान वही है और युताहरों का भी खानदान वही है, दोनों का कबीला एक है। जब युजहबा के माने दूर करने के हो जाएंगे तो इताहरों के माने पाक करने के होंगे। मैंने कहा भाई क्यों? इसलिए कि युजहबा के माने लोगत में दूर करने के हैं। तवज्जो फरमाए, मैंने कहा भाई क्या लोगत से तर्जमा किया जाएगा? अगर लोगत से तर्जमा किया जाएगा तो मैं भी कुरान मजीद की आयत पढ़ता हूँ, तर्जमा आप कर दीजिए। कुरान मजीद में ऐलान हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्समा रफा, आसमान हमने उसे बुलंद किया। बुलंद रफा के माने लोगत में है बुलंद करने के। इसका मतलब यह है कि आसमान पहले नीचे था। क्या बात है, आसमान पहले नीचे था, अल्लाह ने खुद या फरिश्तों की मदद से जैसा आपका जौक हो उसे बुलंद किया। तो कोई मुसलमान मेरे इस तर्जमे को कबूल नहीं करेगा, कोई भी मेरे इस तर्जमे को कबूल नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि जब से हमने देखा आसमान को बुलंद ही देखा, ज्यादा कोई मानने के लिए तैयार नहीं। रफा के माने तर्जमा क्या करेंगे? कर रफा के माने बुलंद पैदा करने के। रफा हमने आसमान को बुलंद पैदा किया। तो भाई जब कुरान में नजीर मिलती है, मिसाल मिलती है कि रफा के माने बुलंद पैदा करने के, तो फिर तर्जमा क्यों नहीं कहते लेना चाहिए।
और मेरी आदत में मान के तबड़ुक लेता हूँ और गहरा तबड़ुक नहीं लेता हूँ, पहले से बता रहा हूँ डबल तबड़ुक लेता हूँ, इसलिए पूरी दुनिया का जो कानून है कि जो पंचीस पढ़ता है उसे दोहरा सलवार और उसे दोहरा हिस्सा मिलता है, सलवार पढ़िए और महान बना ले। कोई बुराई के एतबार से मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं, ये फितरत है, हम भी देश से पहुंचते हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि शुरू ही में पहुंच जाए, नहीं बिल्कुल उसी तरह से तवज्जो चाहो जुमला के हवाले करो, बिल्कुल उसी तरह से मोमिनीन आहिस्ता आहिस्ता फर्शे अदाए हुसैन पर आते हैं जिस तरह से कुरान मजीद की आयतें आहिस्ता आहिस्ता उतरी है। सलावत पढ़िए पर मोहम्मद आले मोहम्मद के लिए।
यासूमुक ही इसमें दो बीवियां हैं, एक है जनाब मरियम जिनके पास किस्मत तो है लेकिन रोहदा नहीं। जनाब मरियम के पास किस्मत है लेकिन रोहदा नहीं है। दूसरी बीवी है शहजादी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। सिलसिले में अगर कोई आयत ना भी हो तो उसे मासूम समझेंगे, लेकिन उनका होना दलील है। लेकिन जनाबे मरियम के पास इस्मत है होना नहीं, मासूम आलम के पास इस्मत है होना नहीं, लिहाजा जरूरत है अलग से बयान किया जाए। लिहाजा जनाबे मरियम के लिए इलाज हुआ इन्नल्लाह इस्तफा के पता हरा के इस्तफा के जनाबे मरियम के लिए ऐलान तहारत हुआ। अजाने कहानी बताया गया कि मासूमा है और शहजादी फातिमा के लिए ऐलान हुआ इतना हैरत को तकहीरा सलवात पढ़े हुए को हम पर आने भाई तो इसलिए कुरान मजीद में जनाबे मरियम की तहारत का भी ऐलान किया गया और मासूम आलम की भी तहारत का ऐलान किया गया। तो खास ताल्लुक है इस आयत तथीम से शहजादी फातिमा का। कल इंशाअल्लाह मैं आपके सामने तफसील से बयान करूंगा शहजादी फातिमा की अजमत क्या है, शहजादी फातिमा की मंजिल क्या है। अज़ाने ग्रामी अगर हमें शहजादी फातिमा की अजमत समझना है, शहजादी फातिमा की फजीलत समझना है, तो सबसे पहले हमें अपने नबी की फजीलत और मंजिलत समझना। इसलिए नबी ने फरमाया है फातिमतु बवतुन मिन्नी, फातिमा मेरा बेटा है, जो कुल का हुक्म होता है वही किसको नबी कौन है, कौन फरमा रहा है, जरा हमें सोचना चाहिए गौर करना चाहिए। नबी कौन जिनके लिए कुरान मजीद में आयत मौजूद है, जिनके लिए कुरान मजीद में आयत मौजूद है कि मेरा नबी कुछ कहता ही नहीं मगर वही कहता है तो वही इलाही कहते हैं। तो नबी की जबान के ऊपर मुहर लगी हुई हुमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। देखिए कुरान मजीद की एक आयत का भी इनकार करना दायरे इस्लाम से इंसान खारिज हो जाएगा। एक आयत का भी इनकार कर दिया और एक आयत तो बहुत बड़ी बात है, अगर एक लफ्ज का इनकार कर दिया तो मुसलमान नहीं रह जाएगा। और मैं कहता हूं लफ्ज भी बड़ी बात है, एक हक का भी इनकार कर दिया तो मुसलमान नहीं रह जाएंगे, लफ्ज भी बड़ी बात है, नुक्ते के अगर मुमकिन हो गए दिया तो क्या फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है। ने लिखा है कि यहां मुराद जिस का टुकड़ा नहीं है रसालत का टुकड़ा है, रसालत का टुकड़ा है शहजादी कौन कह रहा है जिसकी जमान पर मुहर लगी हुई है, कौन कह रहा है ना कह रहा हमारे अंदर को अमीर हवा इन वाइदा महजूब जो हम मेरा रसूल कुछ कहता ही नहीं है साहबा ने एक तशरीह फरमा है जुमला कहे बगैर मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। ये नहीं कहा वमा यकूलो मेरा नबी कहता नहीं है, वे काले यकूलो कहने के माने में होता, ये नहीं कहा वमा यकूलो नहीं कहा बल्कि कहा वमा यंतको यकूलो में यंतको में बड़ा फर्क है, यंतको यानी नुतक ही नहीं करता कुछ बोलता ही नहीं, नहीं जुमला बदल के कह दो यानी अल्लाह जमानत ले रहा मेरा रसूल वो है कि अगर बचपन में अपनी माँ को माँ कहा है तो वही के सारे में कहा है सलमान पर ये बड़ी मोहब्बत बना ले रहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तो नबी फरमा रहे फातिमा मेरा ठुकरा जो कोई का हुक्म है वही जुज का भी हुक्म है। तवज्जो फरमाए जो कुल का हुक्म है वही जुज का हुक्म है। अल्लाह ने जमानत ली मेरा रसूल अपनी मर्जी से कुछ कहता ही नहीं वही कहता है जो कहिए इलाही है। नबी फरमा रहे हैं मेरी बेटी फातिमा मेरा जुज है तो मानो फातिमा जो कुछ नहीं कहेगी वही कहेगी जो वही इलाही होगी। यही वजह है जब भी मुर्सले आजम अल्लाह के हबीब सफर के लिए जाते हैं तो सबसे पहले सबसे आखिर में शहजादी फातिमा के दरबार में जाते हैं और सलाम करते हैं सलाम अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मा दिन रसाला व मुख्तलफल मलाइका अहले बैत नबुव्वा पे मेरा सलाम हो। ये नबी क्यों सलाम कर रहे हैं और तारीख ये कहती है कि जब भी किसी सफर से आते हैं तो सबसे पहले गले फातिमा जब जाते हैं तो आखिर में सबसे आखिर में गले फातिमा पे सलाम आते हैं तो सबसे पहले गले फातिमा पे सलाम। ये क्यों? लेकिन नबी शहजादी फातिमा की दर्द की अजमत बताना चाहते हैं। आप देखिए कितना बड़ा इंकलाब आया इधर अल्लाह के नबी की आंख बंद हुई अल्लाह जिस दरवाजे के ऊपर अल्लाह के नबी सलाम किया करते थे उसी दर के ऊपर सलमान आग और लकड़ियां लेके आ गया। क्या कोई गैरत इस्लामी की बात करता है? क्या कोई गैरत इस्लामी की बात करता है? नबी की बेटी है जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं वो दरे फातिमा पे आग और लकड़ियां लेके आ गया और सिर्फ धमकी नहीं दी है अरबाब अदा आग लगा दी गई है। शहजादी फातिमा ने पूछा क्या तुम उस घर में आग लगा दो इसमें रसूल के छोटे छोटे बच्चे जिसमें हसन और हुसैन है जरा को रब को खुदा को किसी कम रुलाए सलाए करने वाले कहा जी ने हाँ हाँ हम उस घर में आग लगा देंगे जिसमें रसूल के छोटे छोटे बच्चे पर अल्लाह भी आजा आग लगा दी शहजादी फातिमा दरवाजे के पीछे है चलता हुआ दरवाजा शहजादी फातिमा के पहलू में गिराया गया। मक्तब की तारीख कहती है शहजादी फातिमा दरो दीवार के दरमियान और यही नहीं जब दरवाजे को धक्का दिया गया शहजादी फातिमा दरवाजे के नीचे और दरवाजे पे पैर रख के उबूर किया गया मौला ए कायनात के गले में रिस्वा ने सुन बांधी मौला ए कायनात मसलहत के तहत खामोश है। शहजादी फातिमा ने आवाज दी पिज्जा बीबी फिजा आई आप फिजा मेरा बहुत से शहीद हो मुझे सहारा दो शहजादी फातिमा को खबर मिली कि मौला ए कायनात के गले में रिश्मा ने सुल्फा के ले जाया जा रहा है कशा कशा फिराया जा रहा है। शहजादी फातिमा अपना हम भूल गई मैं तो शिकस्ता में फातिमा ने गोशे चादर उठाई सर पर डाली
अगर बाहर आई आवाज देती खंजर कसर अगर सब को छोड़ दो वरना मैं अपने सर के बाहर बिखरा दूंगी। अरबाब यादा जनाब सलमान राजी है कि जैसे ही बिनते रसूल ने तुकरा अपनी जबान से अदा किया मस्जिद नबवी की दीवार है फलक को मलाए कायनात ने सारे कयामत देखी आवाज सलमान जाओ फिर रसूल से कह दो मैं तुम्हारे लिए हाथ जोड़ूंगा वरना मदीना तबाह हो जाएगा। जनाब सलमान आते हैं हाथों को जोड़ के कहते हैं जिंदे रसूल आपको दुआ के लिए हाथ जोड़ जाएगा। मैं सुनता था बीबी पास बात मुझे लगी यार आवाज जैसे सलमान क्या कह रहे हो अरे मेरे वाली वाली के गले मेरी सुबान रसूल मैं तो कह रहे हो दुआ के लिए हाथ कब करना। जनाब सलमान का आवाज देते हैं बिन रसूल उसी अली ने मुझे भेजा तो और बात है ना जैसे ही लोगों ने आसार देखे मौलाए कायनात को छोड़ दिया और बाबे ने सरा सुनिए मजलिस मैंने तमाम कर दिया रोने के लिए काफी होगा और बाबे ने मैं आवाज दूंगा बीबी फातिमा बड़ी खुश नसीब है आपका पहलू सुनता हुआ लेकिन आप खुश नसीब है मोहसिन की शहादत हुई लेकिन आप खुश नसीब है आपके घर पे आग लगाई गई लेकिन आप खुश नसीब है लेकिन आप मामे रब को बचा लाए। हम सब के इमाम के नासिरीन और मुनीर के शुमार फरमा आमीन।